वेलकम टू दिस चैनल। जैसे कि हम सभी को पता है, फर्स्ट सीजन तो सभी ने देखा है, लेकिन सेकंड सीजन का सभी बहुत वेट कर रहे हैं। और ट्रेलर देखने के बाद तो सभी के अंदर एक उत्सुकता है कि किस तरीके का किरदार आप निभा रहे हैं और किस तरीके का किरदार आप निभा रही है। सो प्लीज़ कुछ बताइए, रात्रि के यात्री 2 में क्या कुछ नया देखने मिलेगा सभी को? वेल, रात्रि के यात्री में ऑफकोर्स इट्स द फर्स्ट टाइम आई एम वर्किंग विद शक्ति, और अगेन दिस इज़ अ न्यू थिंग दैट दे आर गोना सी। और हमारे जो सारे जो एक्टर्स हैं इसमें, अमेजिंग एक्टर्स, एंड द स्टोरीज आर रियली नाइस। हर स्टोरी में एक नयापन है, ड्रामा है, और स्टोरी के एंड में कुछ सीख के जाते हैं। मेरी स्टोरी में भी शक्ति कुछ सीख के गया था, ही वॉज अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर। या सो इट वॉज फन शूटिंग इट, एंड आई होप जो फर्स्ट सीजन ने सक्सेस किया, आई होप उससे कई ज्यादा और सक्सेस मिले हमारे इस सीजन को। एक्चुअली रात्रि की यात्री जो है वो फ्लैगशिप शो है हंगामा प्ले का, सो वी आर वेरी ग्लैड एंड ऑनर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस सेकंड सीजन। और जो सब्जेक्ट है वो भी बहुत ही खूबसूरत सब्जेक्ट है, बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट है, जो बहुत बखूबी उसे टच किया गया है। और जो थिन लाइन होती है उसे मेंटेन किया गया है। थिन लाइन कहने का मतलब एक वल्गैरिटी होती है और एक एस्थेटिक्स होता है, तो उस चीज़ को बहुत बखूबी से मेंटेन किया गया है। और आपको समझ में आएगा कि सिर्फ एक ही पहलू नहीं है कहानी का, और जो प्रोस्टिट्यूशन में जो लड़कियाँ होती हैं उनकी जो लाइफ किस तरह की होती है और उनका थॉट प्रोसेस क्या होता है वो दर्शाया गया है। और हमारी कहानी में भी यही दिखाया गया है कि मैं एक पॉलिटिशियन हूँ और शुरू से मेरे अंदर इंस्टिल्ड है कि मुझे इन लोगों से नफ़रत है, वैश्याओं से नफ़रत है। और फिर कैसे अदा, तुम्हारे कैरेक्टर का क्या नाम था, मलिका जो है वो यू नो विशेष के थॉट प्रोसेस को चेंज करती है। सो वो बहुत ही ब्यूटीफुल डिबेट है हम दोनों के बीच में, जहाँ पे ये इतना सख्त आदमी जो है वो नरम पड़ जाता है और उसके बाद उसका थॉट प्रोसेस चेंज होता है। सो इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी, यू गाइस डेफिनेटली शुड वॉच। नॉट ओनली दिस स्टोरी, देर आर अदर स्टोरीज ऑल्सो, स्टोरीज ऑफ इट्स अ 5-स्टोरी एंथोलॉजी, वो भी बहुत सारी खूबसूरत कहानियाँ हैं, तो आप लोगों को देखने में बहुत मजा आएगा। सो गो गाइस, पॉज द वीडियो एंड वॉच इट राइट नाउ, इट्स ऑलरेडी स्ट्रीमिंग। सो जिस तरह से आपने बताया कि माइक आपका कैसा रहा, ठीक है, इधर ना गैप आ रहा है, ठीक हो गया, नीचे कर दीजिए ना भाई, रुको ना, हां ठीक है, ओके चलो। और एक और चीज़, रात्रि की यात्री में इतनी खूबसूरत लड़कियां हैं, अदा खान है, रश्मि देसाई है, शिफाली है, रियल है, एबिगेल है, सो ऑल ब्यूटीफुल वुमेन ऑफ आर इंडस्ट्री, सो वी विल गेट टू वॉच। एंड प्लस देयर आर सम हैंडसम गाइज, आई मस्ट टेल यू, शक्ति अरोरा है, शरद मल्होत्रा है, और भी बहुत सारे लोग हैं, you know, so if you guys want to you know watch us, so you can join. Yeah, jis tarah se aapne bataya ki abhi aur bhi bahut sari ladkiyan hai, sabhi aapki friends hai, aur sath hi story bhi alag alag hai, jaise ki aapne kaha 5 story hai, aur bhi kisi ne kaha ki aapko meri story mein hona chahiye tha, ya fir aapko aisa laga ki nahi mujhe wo story mein hona chahiye? Abigail ko main abhi suna raha tha meri story interview mein, तो एबिगेल बोल रही थी वाह यार तो बहुत ही अच्छी स्टोरी है, मतलब ये स्टोरी सुन के मैं मूव हो गया, आई वुड डेफिनेटली लाइक टू वॉच। सो मैंने कहा अच्छा हाँ यार, स्टोरी तो अच्छी चूज की हमने हमने साथ ही आजकल वेब सीरीज का जमाना है, तो लोग सोचते हैं कुछ ना कुछ अलग अलग कंटेंट्स देखिए, लेकिन आपके उसमें ऐसा क्या अट्रैक्टिव पार्ट है, एज वेल एज क्या कुछ मैसेज आपकी वेब सीरीज दे रही है लोगों को, और उससे कितने लोग जागरूक होंगे? इट्स अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, यू नो, और नारी शक्ति जो है वो मतलब हमारे देश के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, और वही दर्शाया गया है यहाँ पे कि जो एक औरत होती है वो कैसे समाज को बदल सकती है, कैसे उनकी थिंकिंग को बदल सकती है। या एंड ऑल्सो जो लोग एक स्टीरियोटाइप कर देते हैं अबाउट प्रोस्टिट्यूट्स एंड अबाउट दिस, सो वो स्टीरियोटाइप को हटाने की कोशिश की गई है। During shoot, what was the like best moment or it's anything which you like the most and you feel like कि हाँ मुझे फिर से अगर ये ऐसा कुछ role करने मिले तो मैं करना पसंद करूँगी या करना shoot में क्या होगा? I think जो हमारा एक scene था जहाँ पे हमारी debate होती है, मेरे thought process और इनके thought process की fight होती है,
और अल्टीमेटली ये मेरा थॉट प्रोसेस चेंज करती है. सो आई थिंक वो सीन मुझे काफ़ी इम्पैक्टफुल लगा एज एन एक्टर टू परफॉर्म एज वेल. और पहले से इसे ही बोलना था बहुत सारा. And then I had like a long page of monologue. Right, where, right. तो वो हम बहुत fun कर रहे थे, एक दूसरे की टांग खिंचाई भी कर रहे थे जब किसी कितने dialogues बोल रहे हैं. So that was really funny. And I think बारिश भी हो रही थी उस दिन बहुत, right? ऐसे कुछ तो था. I don't even remember. नहीं, उन्होंने उन्होंने I think October में shoot किया था उसे. तो बारिश नहीं हो रही थी. September में किया था. हाँ. All right. Yeah, so actually yeah, इसको बनने में बहुत वक्त लगा है. बहुत ऐसे तराश के हमने उसको you know, polish करके हमने उसे बनाया, इसलिए एक साल लग गया हमें. लेकिन But the shoot was fun. Yeah, the shoot was fun. Yeah, we really had a great time. Well, shoot कहाँ हुआ था, कुछ location के बारे में आप information देना पसंद करेंगे? हमने actually हमने हाँ set create किया था उसके लिए. और दाना पानी मड में था, हमने मड में भी शूट किया था और भी कहीं शूट किया था. यू हैड मीरा रोड आई थिंक. हां, मीरा रोड, दैट होल थिंग. राइट राइट, मीरा रोड में भी शूट किया था. सो हमने सेट क्रिएट करके हमने वो किया था. ऑब्वियसली एक्चुअल लोकेशन पे हम शूट नहीं कर पाए थे क्योंकि सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं कि पॉसिबल नहीं हो पाता. आज वेल एज अब तक के आप दोनों के भी जितने भी किरदार सभी ने देखे हैं, सभी किरदार को बहुत पसंद किया है, लेकिन आप लोगों से जानना चाहेंगे कि ऐसे कोई किरदार जो अब तक नहीं निभाया और आप निभाना चाहते हो, ऐसा कोई है? एज एन एक्टर हम लोग ग्रो ही करते रहते हैं विद ईच एंड एवरी कैरेक्टर. और हम एक अगर हम बोल दें कि हम एक स्पेसिफिक कैरेक्टर करना चाहते हैं तो हम बंद जाएंगे उस चीज़ में. करेक्ट. जितना चैलेंजिंग रोल्स होंगे, ओपन टू गुड रोल्स. और सिर्फ ऐसे नहीं होता है कि भाई एक टाइप का कैरेक्टर है, हमें वो प्ले करना है. हमें वो प्ले करना है, एट द सेम टाइम हम किस तरह के इंसान हैं, हमें उसमें इम्बाइब करना है. सो हमें वो कैरेक्टर बनाना है एक्चुअली. हाउ वी पोर्ट्रेट एंड वो ऑडियंस के दिल को बस छूना चाहिए, दैट इज इम्पोर्टेंट. उसका ग्राफ जो है वो क्रिएट करना पड़ता है. करेक्ट. आपने भी अभी सभी स्टोरी जान ली होगी, जो पांच स्टोरी कौन? हाँ, हमें तो स्टार्टिंग में ही पता था. ऐसा लाइक जो पांच लोग थे उनमें से कभी आपको ऐसा लगा कि नहीं मुझे इनके जगह पे रिप्लेस होना चाहिए था ये वाला? नहीं नहीं, आई थिंक अनिल सर ने सबको सारी स्टोरियां सुनाई थी एंड हूएवर लाइक्ड विद स्टोरी वो चोज. सो आई सबने अपनी स्टोरीज चूज की, कहानी चूज की. आई चोज माय स्टोरी बिकॉज़ आई रियली लव्ड मल्लिका'स कैरेक्टर एंड आई कुड लाइक सी माय सेल्फ डूइंग इट. And that's when this is the story I love, so I chose this. Sadhi, you know? Ditto. Sadhi, sabhi jitne bhi maas se sabhi wait karte hain ek reality show ka jo ki hai Big Boss. So is baar Big Boss 16 aaya hai aur jis tarike se pura scenario ab tak dikha hai waqai I am not following it this year. Aapke dost hain is baar? Tina hai. Kya lag raha hai Tina, kis tarike se khel rahi hai? Tina mujhe bahut strong lag rahi hai aur acha khel rahi hai. मैं देख रहा हूँ बीच बीच में इस थोड़े स्निपेट्स उसी के इंस्टाग्राम पेज पे देख लेता हूँ मैं बिग बॉस. तो मुझे अच्छा लग रहा है वो जो कर रही है. शी इज़ डूइंग इट रियली वेल एंड आई नो हर सिंस बिफोर एंड शी वाज वेरी एक्साइटेड टू गो इन बिग बॉस एंड शी वांटेड दैट अपॉर्चुनिटी ऑल्सो एंड शी इज डूइंग इट. सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर एंड आई होप शी विंस इट. नहीं करेंगे, मतलब मैं नहीं करूंगा. मैं कर चुकी, मुझे करना था खतरों के खिलाड़ी. व्हिच आई डिड. अच्छा, यू हैव डन दैट. या, आई हैव डन दैट एंड आई रियली वांटेड टू ओनली दैट रियलिटी शो इज व्हाट आई वांटेड टू डू एंड आई डिड इट. लास्टली सभी फैंस को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो इतने एक्साइटेड है सीजन 2 के लिए? बस यही कहना चाहेंगे कि भाई बहुत ही खूबसूरत लोग हैं, यू नो, ये रात्रि की यात्री सीजन 2 में. तो आप प्लीज जाकर अभी जाकर देखिए हंगामा प्ले पे. It's streaming now. Yes. Thank you. Thank you. Thanks a lot. Thank you very much.